नमस्ते बच्चों, आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत जो हमारे तीन भेद बचे हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा भेद है उत्प्रेक्षालंकार। इसकी परिभाषा समझिए बच्चों। जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है, और इसके वाचक शब्द हैं मानो, मनु, मनुहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यू, जैसे आदि। जहाँ भी आपको ये वाचक शब्द दिखाई देंगे उदाहरण में तो आपको पहचानने में आसानी होगी। उदाहरण देखिए बच्चों। पहला, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहू नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर श्याम वर्ण में, सलोने गात मतलब शरीर, सुंदर शरीर पर नीलमणि पर्वत, शैल मतलब पर्वत, नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर लिपटे हुए पीताम्बर अर्थात पीले वस्त्र, उसमें प्रभात की धूप की, प्रभात सुबह प्रातःकाल, उस धूप की मनोरम संभावना की कल्पना की गई है। और इसमें जो वाचक शब्द है वो मनहू है, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित अर्जुन यहाँ बच्चों उपमेय हैं, उसमें सागर के उद्वेलित होने और यहाँ पर सागर उपमान, उसकी संभावना अर्थात उसकी कल्पना की गई है। और यहाँ जो मानो है वह वाचक शब्द है। चौथा हमारा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बारे में आपने कक्षा आठवीं में भी पढ़ा था। जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जिसका होना सामान्य स्थितियों में संभव ही ना हो, तो वहीं पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए बच्चों। पहला, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान जी का प्रसंग लिया गया है जब ये लंका जाते हैं श्री राम जी का संदेश लेकर सीता के पास। तो यहाँ पर लंकावासी जो है वो हनुमान की पूंछ में अभी आग लगा ही नहीं पाए, लेकिन उससे पहले ही कवि ने लंका का जल जाना दिखाया है, अर्थात यहाँ लोक सीमा से बढ़कर कल्पना की गई है, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण जो कि आपने बच्चों कक्षा आठ में पढ़ा, सुदामा चरित। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पर सुदामा की जो दयनीय दशा है उसे देखकर करुणा दया करने वाले, करुणा निधि किसके लिए कहा गया, श्री कृष्ण जी के लिए, तो उनके आँखों से अविरल गति से इतने ज़्यादा आंसू बहे, कवि कह रहे हैं नरोत्तम दास जी, कि उन्होंने पानी परात, क्योंकि मेहमानों के पांव धुलाने की बच्चों परंपरा थी, तो जो उन्होंने पानी मंगवाया था परात में उसे उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, तो आँखों से इतने आंसू आए जिससे कि उन्होंने उसके पांव धो दिए। तो यहाँ बच्चों अतिशयोक्ति है, क्योंकि यहाँ आँखों के अनपेक्षित आंसुओं को अविरल धारा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और जिसके कारण जो सुदामा के पैर हैं वो धोने के लिए जो परात में पानी मंगवाया था उसे उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। तो बच्चों ये क्या है, अतिशयोक्ति। पांचवा हमारा है मानवीकरण अलंकार।
इसकी परिभाषा समझिए। जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, अर्थात जड़ वस्तु या प्रकृति को जीवंत मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पर मेघ बादलों को शहरी मेहमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात बादल जो है वो तो निर्जीव हैं, लेकिन यहाँ उन्हें जीवंत बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। बच्चों, ये आपके पाठ्य पुस्तक में ये कविता है, मेघ आए। दूसरा उदाहरण, हैं किनारे कई पत्थर पी रहे चुपचाप पानी। ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक का ही है, चंद्रगहना से लौटती बेट। तो यहाँ पर अब आप देखिए, पत्थर तो हैं निर्जीव हैं, वो पानी तो पी नहीं सकते, लेकिन पत्थरों का जो अधिकतर जो भाग है जो पानी में डूबा रहता है, तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि पत्थर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पत्थर जो है पानी पी रहे हैं, मनुष्य की तरह पानी पी रहे हैं और अपनी प्यास बुझा रहे हैं, तो इसलिए पत्थरों को पानी पीने जैसी मानवीय क्रिया करते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो बच्चों, आज हमारा अलंकार के जो भेद थे वो समाप्त हुए।